नमस्कार, मैं हूँ दिव्या और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। खबर जरा हटकर हम आपको कराते हैं दिन भर की तमाम ताजा खबरों से रूबरू। और आइए अब नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शामली जनपद के थाना भवन इलाके में एक मकान की कच्ची छत धराशायी हो गई। मकान के अंदर मौजूद परिवार के 8 सदस्य छत के मलबे में दब गए, जहां पर छत के गिरने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला, जिनमें से एक 5 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य 7 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां से सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया और इस पूरे घटनाक्रम की जाँच शुरू कर दी गयी है। दरअसल मामला थाना भवन इलाके के मोहल्ला सराय का है, जहां पर मोबिन नाम का युवक अपने 8 सदस्य परिवार के साथ जीवन व्यतीत करता है, जो अपने परिवार का मेहनत मजदूरी कर पालन पोषण करता है। घटना सुबह की है, जब मोबिन अपने परिवार के साथ मकान के अंदर था, उसी दौरान मोबिन के मकान की छत गिर गई और परिवार के सभी सदस्य मकान के मलबे में ही दब गए, जिनमें से 5 वर्षीय लड़के तालिब की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि परिवार की महिला शमीमा, शबनम भूरी व मोहम्मद अहमद आलम, मोबिन व सद्दाम गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां से पड़ोसी युवक द्वारा सभी घायलों को मलबे से बाहर निकाला गया और इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को भवन सीएससी में भर्ती कराया। बताया जा रहा है पीड़ित युवक मोबिन का मकान सर्दर हालत में था, जिसकी शिकायत प्रशासन से भी की गई थी और प्रधानमंत्री जन आवास योजना में भी आवेदन कर रखा था, लेकिन आरोप है कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी पीड़ित के मकान पर जाते थे वो रिश्वत के तौर पर पीड़ित से 15,000 रुपए की मांग करते थे, जिसे दे पाने में पीड़ित सक्षम नहीं था, जिसके चलते पीड़ित पक्के मकान से अभी तक वांछित रहा। अधिकारियों की लापरवाही के चलते आज पीड़ित परिजनों को एक मासूम की मौत से खामियाजा भुगतना पड़ा। अगर समय से पीड़ित को पक्का मकान बनवा कर दिया जाता तो आज यह घटना ना होती। फिलहाल पीड़ित मोबिन ने एक शिकायत पत्र पुलिस को सौंप दिया है और रिश्वत की मांग करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग करते हुए अपने व अपने परिवार जनों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनवाने की मांग की है। छत गिरने की वजह से 5 लोग करीब घायल हो गए हैं, ये हमारे यहाँ इनका उपचार चल रहा है और इनमें से एक को कुल्ले पर थोड़ा सा ज़्यादा चोट है, उसके लिए हमने इसको रेफर किया है। कैजुअल्टी एक हुई है जो मेरे नॉलेज में, यहाँ पे तो नहीं लाए गए थे, तो वो तो मेरे नॉलेज में नहीं है, तो यहाँ पे इनके इनका उपचार चल रहा है, सेटिस्फैक्ट्री है सर। ये मोहल्ला सराय में मोबिन और मुकीम नाम के दो लोग रहते हैं, जाति लोहार है। इनके घर के मकान पुराना है, मकान की छत का गाटर टूटने से जो है बच्चे दब गए हैं, उसमें एक बच्चा तालिब उसकी तालिब उम्र 7 वर्ष मृत्यु हो गई है और 8-10 लोग और घायल। तो उनको भर्ती करा दिया गया, उनको अस्पताल भिजवा दिया गया, सभी लोग उपचार कराया जा रहा है और नियमानुसार विधि कार्रवाई की जा रही है। रिप्पी सराय थाना भवन में वार्ड नंबर 3 में एक बहुत गरीब व्यक्ति है, मुकीम और मोबिन दो भाई, इनका एक मकान है कच्चा, वो गिर गया, बारिश अधिक हुई इस साल, बरसात में मकान कच्चा था, उसमें नीचे 2-3 बच्चे, 4 बच्चे थे, एक बच्ची पड़ोस की भी थी, एक बच्चा था उसका 5 साल का मर गया और बाकी 3-4 के चोट है, उनकी दोनों भाइयों की बीवी है, उनका चोट है बहुत, एक की कुल्ला टूट गया, एक के हाथ में है और 3-4 और अन्य घायल है। जनपद शामली के आदर्श मंडी थाना इलाके में एक किसान की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। धारदार हथियारों से हमला कर पीट पीट कर किसान को मौत के घाट उतार दिया गया है और वारदात को अंजाम देकर अज्ञात बदमाश मौके से फरार हो गए। हत्याकांड की इस वारदात से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल पूरी घटना शामली जनपद के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के गांव टिटोली की है, जहां किरणपाल नामक किसान साइकिल पर सवार होकर खेत में गया हुआ था, लेकिन मृतक किरणपाल काफी समय बीत जाने के बाद भी घर वापस नहीं लौटा। जब परिजन मृतक किसान को तलाश करते हुए खेत में पहुंचे तो किरणपाल का शव खेत में पड़ा मिला। किरणपाल के शरीर पर धारदार हथियारों से हमला किया गया था, जिसके बाद किसान की गला दबाकर हत्या कर दी गई, जहां से परिजनों ने आनन फानन में पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ
खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए सीओ व थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में टीम बनाकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं एएसपी शामली का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। शामली जनपद के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र में टिटोली गांव में एक वृद्ध की डेड बॉडी खेत में मिली है। उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उनके घर वालों ने तहरीर दे दिया है। तहरीर के आधार पर जो भी होगा उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। ऐसा है, इसकी रंजिश तो ये थी भी ना, गाँव में कोई जो है ऐसा उठ बैठ के इसकी जो है अपने काम की काम कर रहे हैं। ये 5 बजे गोल करने गया खेत में, उसके बाद में जो है 8-8:30 बजे करीब या 9 बजे करीब इसकी तलाश हुई। तलाश होने पर खेत में इसकी लाश मिली। एक सिर्फ इसकी भावे की चोट लगी थी और नार में फांसी थी। तो किसी पर शक किसी पर नहीं। अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना को लेकर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री सुदर्शन चक्रजी महाराज ने बड़ा बयान दिया है। सुदर्शन चक्रजी महाराज आज शामली के कस्बा थाना भवन में एक हिंदू कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां पर संगठन के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सरकार से संतों की अपील पर अध्यादेश लाकर अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना कराए जाने की मांग की गई है। सुदर्शन चक्रजी महाराज का कहना है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि अब मुस्लिमों को मस्जिद की जरूरत नहीं है, मुसलमान कहीं पर भी अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। कोर्ट का यह फैसला हिंदुओं के हित में है, हम धन्यवाद करते हैं। इसलिए अब बीजेपी सरकार से विनती है कि किसी भी प्रकार की देरी के बिना ही राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाए। इसके बावजूद विश्व हिंदू परिषद द्वारा इसी अक्टूबर माह में देश के सभी राज्यपालों को ज्ञापन सौंपेगी और राज्यपालों से सरकार द्वारा राम मंदिर पर अध्यादेश लाने की मांग करेगी। इसके अलावा देश में सभी लोकसभा क्षेत्रों के अंदर बड़ी सभाएं कर सांसदों को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा, ताकि संसद में शासन के लास्ट शीतकालीन सत्र के दौरान राम मंदिर का मुद्दा उठाया जाए और प्रदेश सरकार से राम मंदिर निर्माण में अध्यादेश लाया जाए, अन्यथा 2019 का चुनाव सर पर है। देश का नेता हिंदुओं के बीच जाएगा, अगर उनके एजेंडे को वो संसद में नहीं उठाते तो देश का हिंदू सांसदों को इलेक्शन में जवाब देगा। अगर बीजेपी शासन ने देश के संतों की मांगों को पूरा नहीं किया तो हिंदू संगठन लामबंद होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाएगा। हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने 1 फरवरी को बड़ी धर्म संसद करने का भी आह्वान किया है, जिसमें 15,000 संतों की संख्या 2 दिन सरकार की कार्यप्रणाली पर मंथन करेगी। थाना भवन क्षेत्र के एक निजी कोचिंग सेंटर पर इस मीटिंग का आयोजन किया गया था। मांग की है और सरकार को आदेश दिया है कि वो शीत सत्र लोकसभा का अंतिम सत्र होगा इस कार्यकाल का, इसलिए उसमें तुरंत अध्यादेश लाकर राम मंदिर के लिए कानून बनाकर, भगवान राम भारत की आत्मा है, भारत है राम, इसलिए अब राम को भारत के अंदर स्थापित करना ही होगा, ऐसा संतों का आदेश है। उसके लिए विश्व हिंदू परिषद को जो संतों ने आदेश दिया है कि हम अक्टूबर मास में देश के सभी राज्यपालों को ज्ञापन देकर और उनसे मांग करेंगे कि वो भारत सरकार को कहे कि राम मंदिर के लिए अध्यादेश लाए, और उसके बाद तुरंत सभी लोकसभा क्षेत्रों के अंदर बड़ी बड़ी सभाएं करके वहाँ के सांसदों को ज्ञापन देंगे कि आप सब लोग जब शीत सत्र शुरू होगा वहाँ एक ही विषय उठाएंगे, राम मंदिर। और राम मंदिर का विषय आप नहीं उठाओगे और वहाँ चुप रहे तो आप 2019 के बीच में सारे हिंदू समाज के बीच में आने वाले हैं, फिर हिंदू समाज अपने हिसाब से आपसे निपटेगा। अगर सरकार जो है अध्यादेश नहीं लाती है और मंदिर नहीं बनाती है तो क्या संत समाज फिर बड़ा आंदोलन करेगा या कुछ? संत समाज ने कहा है कि हम इंतजार करेंगे दिसंबर तक और उसके बाद तुरंत प्रयागराज के अंदर धर्म संसद हो रही है 31 जनवरी 1 फरवरी, वहाँ कोई बड़ा निर्णय लेंगे और संत आर पार के मूड में है। अगर फिर भी सरकार नहीं बनाती है लास्ट संत जो निर्णय करेंगे विश्व हिंदू परिषद उस निर्णय को अक्सर से पालन करेगी, आंदोलन की घोषणा करेगी, आंदोलन होगा। जो भी संत निर्णय करेंगे हम सब परिषद के कार्यकर्ता उस निर्णय को सर्वोपरि मानकर और हिंदू समाज के बीच में जाएंगे। जिस तरह से देश में कई संतों ने आवाज़ भी उठाई है और संतों ने ये भी कहा है कि अगर सरकार मंदिर नहीं बनाती तो संत खुद स्वयं मंदिर बना देंगे। संत जो भी निर्णय करेंगे धर्म संसद में, हम सब वचनबद्ध हैं कि संतों का जो भी धर्म संसद में निर्णय होगा वही हमारे लिए सब कुछ है। मोदी सरकार ने जैसे ये मुद्दा उठाया था सत्ता में आने के लिए, इसलिए हम उन्हें बोल रहे हैं कि
पहले तो ये विषय सांस्कृतिक विषय है, भारत की श्रद्धा का विषय है, ये राजनीतिक विषय नहीं है। ये प्रत्येक हिंदू चाहता है कि अयोध्या में राम मंदिर बने, इसलिए हिंदुओं की जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं की आप पूर्ति करिए, यही मांग हम सरकार से कर रहे हैं। अब करोड़ों करोड़ों हिंदू अब किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है, अब वो राम मंदिर चाहते हैं। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 9 चोरी की बाइकों सहित 2 तमंचे व 6 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस की माने तो ये गैंग ऑन डिमांड बाइकों की चोरी की घटना को अंजाम देता था। पुलिस ने इस गैंग के सदस्यों को बाइक चोरी करते सीसीटीवी कैमरों में कैद तस्वीरों के आधार पर गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने एक अनोखे बाइक चोर गैंग का खुलासा किया है, जो ऑन डिमांड बाइकों की चोरी की घटना को अंजाम देता था। पुलिस की माने तो ये गैंग आसपास के जनपद मेरठ और बागपत में भी सक्रिय था। ये गैंग ग्राहक की जैसी डिमांड वैसी बाइक चोरी करके उसमें पुरानी बाइक के कागज के चेसिस नंबर को खुदवा कर ग्राहकों को बेच देता था। पुलिस ने इनके पास से 9 चोरी की बाइकों सहित 2 तमंचे व कारतूस बरामद किए हैं। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह की माने तो बुढ़ाना पुलिस को क्षेत्र में 2 बाइकों पर सवार 3 बदमाशों की सूचना मिली थी, जिनको मुठभेड़ के बाद जब गिरफ्तार किया गया तो पूछताछ के दौरान अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद इस बाइक चोर गैंग का खुलासा हुआ। पुलिस अभी इस गैंग के कई सदस्यों को हिरासत में लेने की फिराक में है, जिनसे और भी कई बड़े खुलासे होने का अंदेशा पुलिस विभाग मानकर चल रहा है। ये बुढ़ाना पुलिस टीम द्वारा कल पुलिस मुठभेड़ में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार पुलिस मुठभेड़ में 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे और उनके पास से 2 संदिग्ध मोटरसाइकिलें और 2 तमंचे और अन्य कारतूस बरामद हुए थे। उसके उपरांत उनसे पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि ये लोग ऑन डिमांड यानी कि डिमांड के अनुसार मोटरसाइकिल चोरी किया करते थे और उसे फिर जो लोग डिमांड करते थे उन्हें अच्छे खासे दामों पर बेच दिया करते थे। इसमें उसके बाद पुलिस द्वारा इंट्रोगेशन के उपरांत 7 मोटरसाइकिलें और बरामद की गई और कुल 8 अभियुक्त 4 और 3 सात अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और 1 अभियुक्त अभी इसमें फरार है। कुल 9 मोटरसाइकिलें इसमें बरामद हुई हैं और इसमें विशेष बात यही है कि जो मोटरसाइकिल की डिमांड होती थी, जिस मेक की और जिस ईयर की मोटरसाइकिल की डिमांड होती थी, वो डिमांड ये पूरी करने के लिए उसी तरह की मोटरसाइकिल उठाया करते थे और जो ग्राहक है उसे दिया करते थे। ये जो पुलिस टीम है जिसके द्वारा ये उत्कृष्ट कार्य किया गया, मेरे द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इसमें एक मुख्य बात ये भी है कि ये इनके पास जो पुरानी RC हुआ करती थी, पुरानी मोटरसाइकिल, उसी का नंबर ये अपनी मोटरसाइकिल पर खुदवा लिया करते थे, जिससे 400 BC भी बनती है और 467-68 की धारा भी IPC की बनती है। इसके अतिरिक्त जो खोदने वाला व्यक्ति है वो अभी ये विवेचना के दौरान अभी पकड़ा जाना शेष है और कुछ और ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी मोटरसाइकिलें और खरीदी हैं, वो भी अभी पकड़े जाने शेष हैं। इनमें अभियुक्त हैबिचुअल ऑफेंडर हैं और पहले भी 2 अभियुक्त इसमें से जेल जा चुके हैं मोटरसाइकिल चोरी। सिटी हलचल की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। जानसठ कस्बे के विद्युत उपकेंद्र से चल रही खराबी के कारण क्षेत्र के कई गांव अंधकार में डूब गए थे। इस मामले की खबर का प्रसारण सिटी हलचल द्वारा किया गया था, जिसका असर हुआ है और 48 घंटों के भीतर ही खराब पड़े यंत्र को बदला गया है, जिससे क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था सुचारू हो गई है। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में SP रामलाल वर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत मितोली थाना पुलिस और SWAT टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां चोरी की वारदातों पर रोक लगाने हेतु टीम द्वारा ओएल चौकी क्षेत्र के गांव खानपुर गुरेला में चोरी के सामान के साथ भाग रहे चोरों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से पुलिस टीम ने तमंचे, कारतूस और भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया है। SP खीरी रामलाल वर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए अभियुक्त रमाशंकर पुत्र नत्थाराम निवासी सीतापुर, मनोहर पुत्र मल्लू निवासी सीतापुर और शहीद खां पुत्र रईस निवासी सीतापुर हैं। वहीं इनके 3 साथी भागने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस दबिशें दे रही है। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। 17/18 की रात्रि थाना खीरी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बरुहा में एक व्यक्ति के यहाँ चोरी का प्रयास और दूसरे व्यक्ति विष्णु सिंह हैं, उनके यहाँ से चोरी करके कुछ बदमाश जा रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस स्थानीय थानाध्यक्ष, थाना प्रभारी तथा क्षेत्राधिकारी अपराध व क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान मुठभेड़ में 3 अभियुक्त
गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों द्वारा अपने असलहे से पुलिस पार्टी पर फायर भी किया गया। पुलिस ने तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ सामान, जिसमें घड़ी, चश्मा, कपड़े आदि शामिल हैं, ये बरामद हुआ। तीन मोबाइल भी मिले हैं तथा तीन 315 बोर के कट्टे तथा घटना में बदमाशों द्वारा जिस चार पहिया वाहन बुलेरो UP 34J 9686 ये भी बरामद हुई है। अंधेरे का तथा गन्ने के खेत का लाभ उठा करके तीन बदमाश भागने में सफल रहे हैं, उनका चिन्हांकन किया गया है। गिरफ्तारी के लिए टीम भेजी गई है, शीघ्र ही इनको गिरफ्तार किया जाएगा। अभी तक की पूछताछ से अभियुक्तों के विरुद्ध जनपद सीतापुर के हरगांव लहरपुर व अन्य थाना क्षेत्रों में अपराध पंजीकृत हैं, इनकी तस्दीक की जा रही है और तस्दीक के उपरांत इनके विरुद्ध संबंधित थानों द्वारा भी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से ये तीन व्यक्ति जो भागने में सफल रहे हैं उनका भी पता चल गया है, शीघ्र ही गिरफ्तारी कर शेष माल जो अभी नहीं मिला है जो चोरी किए हैं उनकी बरामदगी भी की जाएगी। गुरुवार को रुड़की रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर भाजपा युवा मोर्चा की परिचय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद संजीव कुमार बालियान, जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी और पूर्व जिला अध्यक्ष रूपेंद्र सैनी मौजूद रहे। वहीं नव नियुक्त कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे, जहां सभी पदाधिकारियों का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। बैठक में सभी ने अपना परिचय दिया। बैठक में मौजूद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। आज भारतीय जनता पार्टी की नव नियुक्त कार्यकारिणी का जो अभी गठन हुआ है युवा मोर्चे की, उसकी आज परिचयात्मक बैठक थी। परिचयात्मक बैठक में आज कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री सभी उपस्थित हुए हैं। कार्यकारिणी का उद्देश्य, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अभी 2019 का चुनाव सर पर है और उसके निमित्त बहुत सारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में चले हुए हैं, उस निमित्त जो युवा मोर्चे को कार्यक्रम सौंपे गए हैं उन कार्यक्रमों की तैयारी के संबंध में, अभी हमारा 26, 27, 28 का अटल युवा महासम्मेलन तेलंगाना हैदराबाद में है, उसके संबंध में भी तैयारी के संबंध में आज कार्यकर्ताओं को बताया गया है और पूरी ताकत के साथ काम करने के लिए सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। शुक्रवार को विजयदशमी का पर्व पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर रामलीला मैदानों के अंदर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नगर के नुमाइश कैंप में भी पुतला बनाने वाले मशहूर कारीगरों द्वारा रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाए जा रहे हैं, जिनकी लंबाई 75 फुट से 60 फुट तक रखी गई है। ये विशालकाय पुतले रामलीला समाप्ति के बाद दहन किए जाएंगे, जिन्हें देखने के लिए अपार जनसमूह एकत्र होगा। अभी तो फिलहाल तो भाई ये और नहीं बनाने हैं। कितने दिन बाद कम तक वैसे आगे 60,000 रुपए के ज्यादा है। इस साल तो 75 फुट का पड़ा पुतला, ये 65 फुट का, एक 60 फुट का, पिछले साल का तो कम थे इनके पेमेंट भाई। ये तो तैयार है भैया, अब तो तैयार है खिलौने शाम तक। और आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नई ताजा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी हलचल, खबर सराहट कर।